हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल अभी पढ़ के आया होगा कि सीजी व्यापम पीएचई जेई का नोटिफिकेशन कब आ सकता है, बहुत सारे जो मैंने मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने पेपर कटिंग जो आई थी, जो न्यूज़ आया था कि सीजी व्यापम पीएचई में वैकेंसी आ सकती है, उसके बारे में डिटेल था। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। बहुत स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है सर कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। कुछ लोग बोल रहे थे सर क्या साल भर लग जाएगा, साल भर बाद आएगा क्या, कि न्यूज़ आई है उस प्रकार से। तो आप लोग के लिए मैं ये ऑफिशियल जो लेटर आया है उस ऑफिशियल लेटर पे आज मैं बात करूंगा, और मैं ये भी बात करूंगा कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और सर इसके लिए सीजी व्यापम के लिए कोई कोर्स आने वाला है क्या, गेट एकेडमी कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है क्या, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सिलेबस के बारे में मैं आज तो नहीं, कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या सिलेबस हो सकता है, किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर हम मेरा एक कल वीडियो आएगा। और इन सारी चीजों पर हमारी बात रहेगी। हम लोग पूरा अभी टारगेट करेंगे सीजी व्यापम पीएचई जेई को कि कैसा क्या हो सकता है, क्या चीजें पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात मैं करूं कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो उसका आंसर है कि जल्दी से जल्दी। ठीक, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आएगा आपको, ये एक आध महीने के अंदर ही नोटिफिकेशन दिख सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप नीचे पढ़िए, जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का ये ऑफिशियल लेटर आ चुका है, डेट आप देख सकते हैं 26/9/2024, 26/9/2024, 26 सितंबर, आज 27 सितंबर है, कल की बात है, कल का लेटर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेटर में नीचे आप ये लाइन पढ़ सकते हो, निर्देशानुसार वित्त विभाग की सहमति के परिप्रेक्ष्य में भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करें एवं कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत कराएं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे वित्त विभाग से लगभग आप मान के चलो सहमति मिल चुकी है, और अब क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वैकेंसी नहीं आई थी, ठीक है, बहुत समय से चल रहा था वित्त विभाग में, बहुत सारी चीजें अटकी हुई थी, लगभग आपको पूरी मंजूरी मिल चुकी है और जल्द से जल्द आपकी वैकेंसी जो है वो आ जाएगी। वैकेंसी इन द सेंस, वैकेंसी तो हमको पता है कि वैकेंसी कितनी है, 118 जेई की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया तृतीय श्रेणी, जिसमें कि उप अभियंता, जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर, तृतीय श्रेणी की जो पोस्ट है, सिविल की 118 पद है टोटल, उसके बाद मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लगभग 10 पद रहेंगे, लगभग इसी प्रकार से आते हैं सीजी व्यापम में भाई, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लगभग। हाँ, सीएससी भी जेई जो आया था इससे पहले, उसमें इलेक्ट्रिकल का अच्छा खासी वैकेंसी थी। ठीक अनु, क्योंकि बहुत लोग का आया कि सर मैकेनिकल की कम वैकेंसी है, क्योंकि आप पिछले कुछ साल उठा के देखो, पिछले दशक साल में आप देखो, मैकेनिकल की सीजी व्यापम में, ईएनएम में कम ही वैकेंसी रही है, सिविल की ज्यादा वैकेंसी रही है। ठीक है, अनुरेखक की बात करें तो अनुरेखक की 37, सहायक ग्रेड 3 की 2, ठीक, केमिस्ट की यहाँ पे आप देख सकते हो, केमिस्ट की है आपकी 12, वाहन चालक की 2, टोटल 181 पोस्ट है। इसमें उप अभियंता सिविल जिस पे हम बात करेंगे वो 118 पोस्ट है, वो तो पेपर कटिंग थी, ये ऑफिशियल लेटर है, ये क्लियर हो गया कि 118 पोस्ट जेई की आने वाली है। जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आएगा, जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है, अब आपकी वैकेंसी आने वाली है। ये मत सोच के चलो सर 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, ठीक, जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी चालू करूंगा, तब मैं सोचूंगा क्या करना है। अगर आप छत्तीसगढ़ वाले हैं और आप सिविल वाले हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन कैंडिडेट्स की भी मैं बात कर रहा हूं जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत साल से, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई थी, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो कैंडिडेट्स जो अभी फ्रेशर हैं, जो अभी जिनका अभी सीएससी भी जेई में नहीं हो पाया क्योंकि उसमें वैकेंसी बहुत कम थी, तो वो कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये तो अभी सिर्फ पीएचई डिपार्टमेंट की है, क्या पता, और मैं इसमें एग्जैक्टली कुछ ऐसी बात नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ अभी जो ऑफिशियल लेटर है उसी पे बात करूंगा, क्या पता बाकी डिपार्टमेंट की भी आगे चल के वैकेंसी आई, अभी पीडब्ल्यूडी की भी वैकेंसी बाकी है, ठीक है, उसके उस पर भी आगे आने वाले समय में आ सकता है, आरईएस में भी बाकी है, हाउसिंग बोर्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, तो उस पर हम लोग अभी कुछ कुछ ऐसा बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसा हवेबाजी नहीं करेंगे कि कितने वैकेंसी ऐसा वगैरह, अभी सिर्फ हम ऑफिशियली बात करेंगे। ऑफिशियल लेटर आया है, नीचे आप साइन देख सकते हो, अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, ठीक है, इनका लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पीएचई डिपार्टमेंट, इनका साइन है, डेट भी देख सकते हो,
कि ये ऑफिशियल लेटर है, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आएगा, आप तैयारी शुरू कर दो, अब लेट मत करो। इसके बारे में सर कुछ आप लोग गेट एकेडमी कुछ लाने वाला है क्या? बिल्कुल, कल या परसों मैं इस बात को रिवील कर दूंगा कि हमारा कोर्स पूरा आपको मिल जाएगा, क्या प्राइस रहेगा उसका, क्या क्या चीजें रहेंगी उसमें, सारी डिटेल मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी चालू करो। कल हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या हो सकता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में सारी चीज आपको इस वीडियो के थ्रू, मतलब ऐसी वीडियोस में लाते रहूंगा, ठीक है? आपको सिलेबस के बारे में भी पता रहेगा, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उस पर भी एनालिसिस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस पर। हम लोग एक पीवाईक्यू सीरीज भी लाएंगे जिसमें मैं सारे व्यापम्स के जो क्वेश्चन आए हैं आप लोग के अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उसको कराऊंगा, उन सारे सब्जेक्ट्स को जो पुराने जेई के जो छत्तीसगढ़ में हुए हैं व्यापम जेई के, उसके क्वेश्चन मैं यूट्यूब में कराऊंगा, ठीक है? जो कि आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे। कोर्स क्या रहेगा, क्या प्राइस रेट रहेगा, एकदम रीजनेबल रहेगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है? तो ये सारी चीज होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, मगर मैं बार बार आपको सतर्क दे रहा हूं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ सकता है, टाइम ज्यादा नहीं है, तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, अभी से शुरू करनी पड़ेगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, सिविल वाले हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको आप हाथ से जाने नहीं दीजिए, क्योंकि ये दूसरे स्टेट वाले इसको नहीं भर सकते, ठीक है? तो अगर दूसरे स्टेट वाले नहीं भर सकते, तो आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों से है, बहुत ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, आप अच्छे से इसमें कर सकते हो अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हो तो। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट आ रहा था, बहुत बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट सेक्शन में पिछली बार, ठीक? तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपके डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलते रहा करो, आप उस पर मैं हर चीज पे वीडियो बनाऊंगा, हर चीज आपकी क्लियर करूंगा। क्लियर हुआ भाई? जो भी बात करेंगे हम लोग फैक्ट्स पे बात करेंगे, ऑफिशियली जो चीज हो रही है उस पर बात करेंगे, कोई फालतू का आप लोग का टाइम मैं अननेसेसरी वेस्ट नहीं करूंगा, कंटेंट पे ही हम लोग काम करेंगे। कल का मैं जो वीडियो लाऊंगा वो सिलेबस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस हो सकता है सीजी व्यापम जेई का, और पिछले बार जो हुआ था जो डब्ल्यू आर डी जेई में, उसमें क्या हुआ था, कैसी सीनेरियो था, क्या था, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक? उसके आने वाले टाइम पे स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, और कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन जो लोग ने एग्जाम को निकाला आगे चल के, जो अभी जूनियर इंजीनियर के पद में है, उनका क्या अनुभव है, उस पर भी हम लोग देखेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पी वाई क्यू सीरीज लाऊंगा मैं, सीजी व्यापम के सारे क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, आप लोग के लिए लाइव सेशन लेके आऊंगा, ये सारी चीज मैं लाने वाला हूँ, ठीक? जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी गेट एकेडमी ने एक आरआरबी जेई का कोर्स लॉन्च किया है, जिसको CBT 1 CBT 2 का सिर्फ और सिर्फ 777, आप देख सकते हो कितने रीजनेबल प्राइस में हम लोग आपके लिए अच्छे कोर्स ला रहे हैं। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको परचेस करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ CBT 1 की सर करना है मेरे को, सिर्फ नॉन टेक मेरा वीक है तो उसके लिए भी है 499 में। और अभी गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है आरआरबी जेई नेविगेटर ई बुक लॉन्च की है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के CBT 2 के फुली सॉल्व 4102 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सिर्फ प्राइस 333 में। ई बुक है जिसमें 15 साल के क्वेश्चंस 2019, 2015, 2014 सारे सॉल्व क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सॉल्व क्वेश्चन, उसका सॉल्व पूरा सॉल्व पेपर रहेगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगा ये ई बुक। ऐसे ही हम लोग आपके लिए व्यापम का भी कोर्स ला रहे हैं, कल या परसों मैं उसको रिवील कर दूंगा। तो ये सारी चीज आपके लिए होने वाली है भाई, ये सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसको जाने मत दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत समय आपका वेस्ट हो चुका है। अगर आप सिविल वाले हैं अभी से तैयारी चालू कर दो, क्योंकि कंपटीशन नो डाउट दूसरे स्टेट वाले नहीं रहेंगे, मगर छत्तीसगढ़ में ही कई ऐसे कैंडिडेट्स मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छे तगड़े कैंडिडेट्स हैं, जिनका CSEB JEE में किसी कारणवश नहीं हो पाया, ठीक है? उनकी रैंक अच्छी थी मगर टॉप 100 में थे, टॉप 50 में थे, वो लोग पढ़ के बैठे हैं, बस उनको रिवाइज करना है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो अभी से तैयारी चालू करिए, समय ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल जब जागो तब सवेरा। सर मैं फ्रेशर हूं, बहुत समय से तैयारी से मैं छूट गया हूं, तो बिल्कुल अभी चालू करो, क्या दिक्कत है, ठीक है? टाइम को वैसा आप मैनेज करो, ठीक? सर क्या मैं जॉब वाला हूं, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मेरी तैयारी छूट गई है, ऐसे सारी चीज वालों को, डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। आप अपना कमेंट सेक्शन में नीचे डाउट डालिए, ठीक है? उस पर सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, जो भी आपका डाउट है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, मतलब कल की क्लास नहीं, कल की वीडियो में, ठीक है?
उसमें हम लोग सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस हो सकता है, क्या है, और मैं कोर्स के बारे में भी फिर आपको बताऊंगा कि क्या गेट एकेडमी लाने वाला है, क्या कोर्स होने वाला है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।